Why you keeping me waiting? All I want, the love from you, been so long. The love, all I want, the love from you, waiting. All I want, the love from you, been so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. This is the part 2 of the Flower on Fish Festival 2023 that is going on at Aquarium Prime store in Jaipur. तो इस part 2 के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे फ्लावर ऑन कीपिंग के बारे में, किस तरह से फ्लावर ऑन को रखा जाता है, टैंक सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या नेसेसरी या एसेंशियल प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, रखने चाहिए अगर फ्लावर ऑन को राइट वे में रखना है. तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कीप फ्लावर ऑन और हाउ टू मेंटेन अ फ्लावर ऑन फिश. ऑल्सो ये आपके सामने बड़ी सुंदर अट्रैक्टिव और मेसमराइजिंग फ्लावर ऑन फिश है, प्रॉपर हम्पी हेड पैटर्न से भरी हुई बॉडी और पूरी टैंक में एकदम मस्त एक्टिवली तैरते हुए फुल सेट फिश है ये. तो ऐसी आपको सेट एक्टिव और हेल्दी फ्लावर ऑन फिशेस मिलेंगी इस फ्लावर ऑन फिश फेस्टिवल में, बहुत रीजनेबल पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस में, ओनली एट एक्वेरियम प्राइम एट जयपुर इन राजस्थान. अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ. ऑल्सो इस वीडियो में हम आपको इस सुंदर फ्लावर ऑन को फीडिंग करते हुए भी दिखाएंगे, देखेंगे कि ये कैसे एक्सेप्ट करती है. सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और प्लीज़ आपका फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये फ्लावर ऑन फिश फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट या इनिशिएटिव कैसा लगा और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट फ्लावर ऑन फिश कीपिंग. तो अभिषेक सर, हमने आपकी सारी फ्लावर ऑन्स देख ली, एक से बढ़कर एक फ्लावर ऑन्स है, सारी फ्लावर ऑन्स एक्टिव है, टैंक में झूम रही है, यहाँ वहाँ मस्त एकदम स्विम कर रही है मज़े से. तो पहले तो आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया ये फ्लावर ऑन फिश फेस्टिवल रखकर, एंड मुझे पक्का पता है कि हमारे फ्लावर ऑन फैंस तो ज़रूर इस बात से खुश हुए होंगे. बट मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने फ्लावर ऑन फिश को ही क्यों चूज़ किया, क्यों सिलेक्ट किया? वैसे तो इतने सारी फिशेस है और हर एक एक्वेरियम फिश तो अपने वे में यूनिक है और सबकी अपनी अपनी खूबी है. तो फ्लावर ऑन फिश क्यों? आई एम श्योर कि आपके पास उसके रीजंस होंगे, तो वो मैं जानना चाहूँगा कि फ्लावर ऑन फिश का ही फेस्टिवल क्यों आपने रखा और ये फेस्टिवल आप 31 अगस्त तक रख रहे हो, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समय है ये फेस्टिवल का लाभ उठाने के लिए हमारे जो हॉबीज़ के लिए आपने रखा है. तो पहले तो वो बता दीजिए और उसके बाद मैं हमारे बिगनर्स के लिए जानना चाहूँगा, अगर आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमको हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं कि अगर फ्लावर ऑन को रखना है तो क्या टैंक सेटअप होना चाहिए और उसे प्रॉपरली रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ग्रूम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और कैसे उसे प्रॉपरली ग्रो करें, तो ये सारी डिटेल्स अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे जो बिगनर्स है जो सोच रहे होंगे इस वीडियो के बाद रखने का फ्लावर ऑन, तो उनको भी ये सब क्लियर हो जाएगा. तो ओवर टू यू सर. ज़रूर, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल बनता भी है. तो सबसे पहला रीज़न फ्लावर ऑन क्यों रखा फ्लावर ऑन फेस्टिवल, तो उसका पहला रीज़न है ये जो चीज़ है ना, ये वो चीज़ है जो इसका जिसका मोह कभी हटता नहीं है. मेरी जो हॉबी है, अगर वो मैं कहूँ कि परिपक्व कैसे हुई या मैच्योर कैसे हुई, तो उसका बहुत बड़ा हाथ है इस फिश का. क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसे तो बहुत सारे फिशेस फिश कीपिंग की है एज अ हॉबिस्ट, लेकिन ये मेरी फेवरेट फिश रही है शुरू से और आज तक भी है. जब मैं करता था, आज से लगा लो 15 साल पुराने टाइम की मैं बात या उससे भी पुराना, तो बहुत महंगे आते थे, बहुत रेयरली मिलते थे,
उतना ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे कि आपने मोबाइल उठा के ढूंढ लिया कहीं पे भी। तो लोकल मार्केट में तो बहुत रेयर आते थे, ऑर्डर से आते थे, और फिर उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं मिलता था कैसे रखना है क्या रखना है, जो सीखा खुद ही ढूंढ ढूंढ के सीखा। तो ये चूँकि मेरी भी फेवरेट फिश है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, इनकी लाइफ स्पेन बहुत अच्छी है, ये बहुत हार्डी होते हैं। कुछ एक चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो ये, जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपको एक वाटर पपी कह सकते हो, एक वाटर डॉग कह सकते हो, ये आपको रिस्पॉन्ड करती है आपको देख के। यही एक चीज़ है जिससे कि आपको एक खुशी मिलती है जो कि बयान नहीं कर सकते। और आप ग्लोबली भी देखो, फ्लावर हॉर्न की हॉबी जितनी ग्लोबली आज मतलब पॉपुलर हो चुकी है, साउथ ईस्ट एशिया से ये इवॉल्व हुई है और आज पूरे ग्लोब में, अक्रॉस द ग्लोब, ये बहुत अच्छे से मतलब कि इंजॉय की जा रही है। तो यही रीज़न था इंडिया के अंदर हम लोग इस हॉबी को प्रमोट करें, फ्लावर ऑन, पर्टिकुलरली फ्लावर ऑन कैसे रखते हैं, क्योंकि ये एक बिगनर भी रख सकता है। ये इतनी, ये इसलिए नहीं कि ये फ्लावर ऑन है या महंगी आती है या तो इसकी बहुत, ये बहुत जैसे कहता है कि बहुत ईजी टू कीप फिश है, और बिगनर को भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप चालू करो अपनी हॉबी तो इससे करो, तो मज़ा आता है। तो ये एक रीज़न था और ये इन सब की वजह से मैंने ये रखा है। तो सबसे पहले फ्लावर ऑन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि फ्लावर ऑन फिश जो है एक हाइब्रिड फिश है, ये एक नेचर में कहीं नहीं मिलती है, ये एक मैन मेड फिश है। कई सारी अमेरिकन सिक्लिड्स को क्रॉस ब्रीड करवा के, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके, ये अर्ली 90s से लेकर के लेट 90s या 2001-2 के तक ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग चली, और उसके बाद इवोल्यूशन हुआ फ्लावर हॉर्न्स का, जो कि आज आपके सामने हैं आप देखते हो। ये इसका सेंटर रहा मलेशिया, और उसके बाद ये अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि इनके हेड की वजह से या इनकी बिहेवियर पैटर्न की वजह से, ब्यूटीफुल जो कलर्स हैं उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अब आपको बताएंगे कि एक, जैसे कि ये फ्लावर ऑन आप देख रहे हैं, ये हमारा 16 नंबर का फ्लावर ऑन है। ये भी ऑल्दो ये जो टैंक सेटअप है, ये एक कैसा आपको टैंक चाहिए रहेगा वो सब इसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी फॉर सेल है एंड दिस इज़ फॉर 4,500 रुपीज़ इन दिस फेस्टिवल। अब बात करते हैं कि फ्लावर ऑन हमने ख़रीद तो लिया या हम ख़रीदने का प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन रखना कैसे है, तो आपको बहुत शॉर्ट और ब्रीफ तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो टैंक साइज़, ये एक मिनिमम आइडियल टैंक साइज़ है, विच इज़ लाइक 2.5 फीट और अप टू 3 फीट तक का भी, आप 2.5 से 3 फीट तक का एक टैंक साइज़ आपका होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेड टैंक है जिसका साइज़ जो है वो 2.5 फीट का है, हाइट इसकी तकरीबन 1.5 फीट है, 18 इंच, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 15 इंच है। तो ये एक मिनिमम, बेयर मिनिमम टैंक साइज़ है जो आपको एक फ्लावर ऑन को, क्योंकि फ्लावर ऑन लाएंगे तो आप छोटा, पर धीरे धीरे ग्रो करता है और फिर छोटे टैंक में उसको प्रॉब्लम आती है, तो ये कम से कम ये टैंक साइज़ होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप प्लान कर रहे हैं ख़रीदने का, तो सबसे पहले आपको टैंक के अंदर इसका फिल्टर जो है आपको सेट करना है, पानी भरना है, और कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको उसके अंदर डालने हैं। नंबर वन, आपको डालना है एंटी क्लोरीन। हम लोग, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो ये ब्रांड का है, एक्वेटिक वेंचर्स का। आप जब भी पानी भरेंगे, जितना लीटर पानी है उसके अकॉर्डिंग इसमें एंटी क्लोरीन डालिए। अगर आपके क्लोरीन की प्रॉब्लम है या नहीं है, डालिए, आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको जो डालनी है वो है बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया है, वो जो फिल्टर में पेनिट्रेट हो सके, फ्लरिश हो सके, उसके लिए आप एक बैक्टीरिया सॉल्यूशन। तो ये जैसे कि बायोस्टार्ट के नाम से है एक्वेटिक वेंचर्स का, हम लोग फ़िलहाल ये है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स आप डाल करके इस फिल्टर को, इसका जो टैंक का जो फिल्टर है उसको
तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए रन करके छोड़ दीजिए, उसको चलने दीजिए। इससे होगा क्या, जो भी उसमें अनवांटेड केमिकल्स होंगे, अनवांटेड कोई क्लोरीन होगा वो भी रिमूव होगा, प्लस जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी फिल्टर में अपनी कॉलोनी बना लेंगे। तो आपका पानी जो है इतना मैच्योर हो चुका होगा तब तक कि आप कोई भी फिश उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपका 2 या 3 दिन आपने इसको कर लिया, आपका पानी एकदम रेडी है। जो आपको नेक्स्ट देखना है वो ये देखना है कि टेम्परेचर कितना है। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा ठंड है तो आपको हीटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक जो टेम्परेचर रेंज फ्लावर ऑन को लगता है वो लगता है 28 से लेके 30 डिग्री 28 to 30 degrees। ये टेम्परेचर रेंज में आप नॉर्मल एक थर्मामीटर रखिए, ग्लास थर्मामीटर्स आपको 100 से 200 रुपये के रेंज में मिल जाता है, आप एक बार चेक कर लीजिए इतना है। ऐसा नहीं है कि 28 की जगह अगर 25 डिग्री आ गया या 30 की जगह अगर 32 डिग्री आ गया तो फिश सर्वाइव नहीं करेगी। फिश सर्वाइव तब भी करेगी, लेकिन जो इसकी हेल्थ है या जो इसकी वाइब्रेंसी है कलर्स की वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो बेस्ट है कि आप इस टेम्परेचर रेंज में पानी रहे, जो कि नॉर्मली हर फिश में होता भी है, हम फिश टैंक में नॉर्मली भी करते हैं, तो कोई ये अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अब फर्दर हम लोग अच्छे जगह से एक फ्लावर ऑन ख़रीद के लाए, हमने यहाँ पे सबसे पहले ला के जो बैग है उसको इस टैंक के अंदर फ्लोट करवा देना है बिना खोले, ताकि जो बैग का जो पानी का टेम्परेचर है प्लस जो एक्वेरियम का टेम्परेचर है अगर उसमें डिफरेंस है तो वो इक्वलाइज हो जाता है 10 से 15 मिनट में। उसके बाद आप उसको बैग को ओपन कीजिए, नेट से आप उसको फिश को निकालिए, वो थैली वाला पानी जो है बैग वाला वो फेंक दीजिए और खाली फिश जो है आप इसमें छोड़ दीजिए। जैसे ही आप फिश छोड़ेंगे आपको, क्योंकि वो स्ट्रेस में है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, आपने वो एक जगह से दूसरी जगह आई है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, फिश स्ट्रेस में आएगी, उसके लिए आप एक अच्छा स्ट्रेस रिलीवर, जैसे कि ये स्ट्रेस क्योर है और भी बहुत सारे कंपनीज के आते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो इसमें आप तुरंत ऐड कीजिए और उसके बाद आप इसकी लाइट ऑफ करके 1 दिन तक आप इसको फिश को ऐसे के ऐसे छोड़ दीजिए, ताकि फिश का स्ट्रेस भी कम होगा और वो अपने धीरे धीरे इसमें सेट हो जाएगी। आप उसके बाद 12, 15 या 24 घंटे के बाद आप फिर उसको चाहे तो फीडिंग दे सकते हैं, उससे पहले अपने को फीडिंग देना ही नहीं है। आते ही मछली आई और अपन ने उसको खाना डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 24 घंटे आप उसको छोड़ दो, वो जैसी है उसे वो वैसी ही कंडीशन में रहने दो। अगर आप खाना डाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खाना ना डालें। फिर 24 घंटे के बाद हम लोग खाना खिला सकते हैं। तो अच्छी कंपनी का कोई भी स्पेशलाइज्ड आप फ्लावर ऑन फूड लीजिए। ये जैसे कि सेम इसी ब्रांड का एक्वेटिक वेंचर्स के फ्लावर ऑन पैलेट्स हैं, स्पेशली फ्लावर ऑन्स के लिए, और भी बहुत ब्रांड्स के आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये लाइफ आयु का स्पेसिफिक फ्लावर ऑन फीड है, ये भी आप ले सकते हैं। और इसे आप इतना खाना जो ये 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दे, केवल उतना, वो अगर पैलेट बड़े हैं तो 10 to 12 पैलेट्स हो सकते हैं, अगर कुछ खाना ग्रैनुअल फॉर्म में है तो इतना कि ये 2 मिनट से ज़्यादा खाना दिखना नहीं चाहिए। आप उसको फीडिंग दें, वो फीडिंग लेगा, और ये 2 दिन में 2 बार आपको फीडिंग कराना है। अब आती है बाकी आगे, ये आपका चालू हो गया, फ्लावर ऑन ले ली, खाना खाने लग गई, सारी चीज़ें हो रही हैं, रात को लाइट बंद करना ना भूलें, सिर्फ 2-3 घंटे आप जब देखते हैं तब आप इसकी लाइट जलाइए। अननेसेसरी फ़िश के सिर के ऊपर लाइट जलाना कोई समझदारी की बात नहीं है, फ़िश को लाइट पसंद नहीं है, लाइट हमें पसंद है इसलिए हम जलाते हैं, अदरवाइज़ वो रूम लाइट में भी कंफर्टेबल है। अब आगे जब हम कैसे मेंटेन करना है, तो वो सिंपल सी चीज़ें हैं। नंबर 1 थंब रूल, पहला क्या है, खाना हिसाब का डालिए, जितना 2 मिनट में ख़त्म हो उससे ज़्यादा डालना नहीं है, दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं डालना। तीसरी चीज़, हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करानी है, फ्लावर ऑन में स्पेशली आप हफ्ते में 1 दिन उसको खाना डालो ही मत, पूरा स्किप कर दो,
उससे उसका पेट डाइजेशन सिस्टम जो है वो क्लियर ऑफ होता है, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। फिर आपको खाने पे ही के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, तो आगे चल के कैसा रहता है ना कि इनके क्योंकि ये अमेरिकन सिकलेट्स में से आया है, तो वहाँ पे बहुत ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको रेगुलरली आप क्लीन करने के लिए महीने में केवल एक बार आप कोई भी अच्छी कंपनी का डी वॉर्मर लीजिए, जैसे कि ये एक्वेटिक वेंचर्स का डी वॉर्मर है, इसको आप जो भी खाना खिला रहे हैं उस पर आप 3-4 बूंद टपका दीजिए ताकि वो सारे पैलेट्स पूरे अच्छे से सोक हो जाएं, और उसको खाने को खिला दीजिए, और उसके बाद ये 24 घंटे तक आप उसको कुछ भी फीडिंग मत करवाइए, जिससे कि पूरे तो ये जिस दिन आप इसको फास्टिंग कराने वाले हैं उससे एक दिन पहले आप ये प्रोसेस करेंगे, महीने में सिर्फ एक बार करना है, तो आपको ये आप इससे टेंशन फ्री रहोगे कि इसको कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको वाइट पूप की प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये चीज़ हम डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो, और ये करते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन लाइक 10-12 ईयर्स का होता है अगर आप अच्छे से रखते हैं तो। और फिर बात करें मेंटेनेंस पार्ट की, तो मेंटेनेंस पार्ट में हमें कुछ नहीं करना, अगर आपका इतना बड़ा टैंक है तो आप हर 15वें दिन इस टैंक का 50% पानी निकाल दीजिए और 50% पानी नया डाल दीजिए। नया पानी भरने से पहले मेक श्योर कि आप ये एंटी क्लोरीन जो है ये ज़रूर ऐड कर दें और फिर नया पानी आप उसमें डालिए। तो 50% वाटर चेंज एवरी 15 डेज, और प्लस उसका जो फिल्टर का स्पॉन्ज है वो आप क्लीन करके वापस उसका लगा दीजिए। सो दिस इज़ ऑल, दैट्स इट, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने को कुछ अलग से करना है कुछ का। आपकी अगर ये आप जो मैंने अभी बोल रहा हूँ ये काम अगर आप इस तरीके से फ़िश को रखेंगे, आपकी फ़िश जो मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 साल का लाइफ स्पैन रहता है वो भी आपका अचीव हो सकता है। और मैंने अपने लाइफ में 6 साल तक अपना फ्लावर ऑन रखा है, तो मुझे पता है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ़िश है, तो और एक आपका एक अटैचमेंट भी हो जाता है इनसे, और आगे चल के आपको लगता है कि आपको फ़िश को बड़ा टैंक चाहिए तो बड़ा टैंक दीजिए, 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब भी आपको लगे कि यार ये छोटा है, 2.5 फिट का, 3 फिट का छोटा है, 5 फिट का दीजिए। तो जैसे जैसे हॉबी आपकी प्रोग्रेस करे आप इसको भी अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए। तो बस और कुछ आपको करना नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल टू कीप। थैंक यू। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट फ्लावर ऑन फिश कीपिंग। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशनल या इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग फ्लावर ऑन कीपिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं या एक्वेरियम प्राइम की टीम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स सॉल्व करने की। सो आई विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड।